वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। जैसा कि मैंने कल बोला आपसे भैया, आप लोगों का एग्जाम डेट 6 अगस्त ही है। ये जो फर्जी के यूट्यूबर हैं या फर्जी कुछ लोग ग्रुप चला रहे हैं, वो बोल रहे थे कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने तुरंत फोन लगाया यूनिवर्सिटी, बात की, पता चला ऑन टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, और आज एडमिट कार्ड आने को भी मैंने बोला था आपसे, आ चुके हैं। सभी लोग फटाफट से डाउनलोड कर लो, अपने सेंटर्स देख लो, सभी जो है गवर्नमेंट कॉलेज ही सेंटर बने हुए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां पर आपको 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है ना। जुगाड़ पानी कुछ नहीं चलता इसमें, पहले मैं बता दूं, किसी प्रकार का कोई जुगाड़ पानी नहीं चलेगा। फर्जी के प्रयासों से दूर, प्योर सरकारी कॉलेज रखते हैं। कानपुर में एसटी कॉलेज बनेगा, मतलब एक ही जगह पर एक ही बनता, बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारी डिटेल अभी मैं आपको आगे दूंगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, क्या क्या किया, सब कुछ इस चैनल पर मिलने वाला। जो लोग पहले आए हैं अगर इस चैनल पर, चैनल से जरूर जुड़ जाए। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा है, सब कुछ अभी बताने वाला हूँ। तो मेरे पूरे वीडियो ही जरूर देखा करें यूपीआरटी वाले, इससे आपका ही फायदा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होता। मैं तो स्टडी चल रही अपनी, है ना। बीएटी इंटरेस्ट एडमिट कार्ड यहाँ पर सिंपल सा आप क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, प्रिंट करें, आपका एडमिट कार्ड आपके समकक्ष होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आ रही, सिग्नेचर नहीं आ रही, कुछ भी दिक्कत हो, तुरंत क्या करें, फॉरन सूर्य ये मेल पर रिप्लाई जरूर आता है, फिर मैं ये नोट आउट कर लेना अपना कहीं। ठीक है, और वेबसाइट कौन सी होगी, है ना, तो वेबसाइट होगी uprtointrance.co.in। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं उसका डायरेक्ट दे दूंगा, जहां से आप लोग जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले समझ लो, पीडीएफ जो आप लोग डिमांड थी, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ना बुक मिलने वाली, ना इसके प्रीवियस ईयर के पेपर मिलने वाले हैं। तो उसके लिए मैं खुद जो है, मेरी 21 रैंक है, सब कुछ है ना, मुझे सब कुछ पता क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो उसके लिए 15 दिन पहले, कल ही मैंने लॉन्च कर दी थी, और बहुत सारी मान लीजिए आप सेल भी हो चुकी, और रुपए बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल बच्चों वाले रखे। ठीक है, इसमें होगा क्या क्या, 10 प्रैक्टिस सेट। 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि प्रैक्टिस सेट मतलब 10, जैसे रीजनिंग है ना, तो 10 उसके सेट होंगे, 50 क्वेश्चन के, 500 क्वेश्चन आपको वो मिले। ठीक है, जीके है, जीके का 50 30 80, 80 × 10 800 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, करंट अफेयर्स 800 प्लस क्वेश्चन के करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिलने वाला भैया, मात्र 50 रुपए। 100 रुपए टीम रखना चाह रही थी, मैंने 100 50 बोल दिया, और मैं इसको बढ़वा भी सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। मेरी टीम आज ही मुझसे कह रही है, सर अब तो एडमिट कार्ड आ गए, अब आप बढ़ा दीजिए, बच्चे खरीदेंगे। लेकिन फिर भी मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है, केवल आपके लिए। तो ये आपको इसमें जो है ये सब कुछ मिलेगा, साइंस और मैथ नहीं मिलने वाला है, फिर मैं बोल रहा हूँ, इस जो चीज मुझे पता नहीं वो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन मैंने मतलब टच ही नहीं किया था, क्योंकि वो इंटर लेवल का। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें, तो तैयारी एकदम जोर जोर से कर दो, 15 दिन बचे, पीडीएफ पूरी डालो, इसको 7 दिन में खत्म करो। अगली पीडीएफ बहुत अच्छी तैयार हो रही है आपके लिए, तो उसको जरूर देखें। अब चलते हैं एडमिट कार्ड की तरफ। ये तो हो गई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, अब चलते हैं एडमिट कार्ड। कहाँ गया भैया एडमिट कार्ड, ये आ गया एडमिट कार्ड, ये देखिएगा एडमिट कार्ड। मैंने अभी एक बंदे ने मुझे भेजा, जिसका नाम अविनाश है, उसने मुझे भेजा कि भैया ये जो है आप लीजिए और वीडियो बनाइए। ठीक है, और डिटेल हाइड करने का साफ साफ सभी जरूर होता है, तो मेरा भी है अपना, बिना कहे आप लोग डिटेल हाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। डेट ऑफ एग्जाम 6 अगस्त, टेक टाइमिंग क्या रहेगी, 10 AM से 1 AM, पिछली बार की तरीके यही रहने वाली, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM, गवर्नमेंट इंटर का GIC रामबाग, देखिएगा प्रयागराज GIC ही बनाया गया है। अब पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन फटाफट से। सूचित प्रत्येता के विश्वविद्यालय द्वारा जांच नहीं की गई है, अतः विज्ञानों पर उन्हें वेबसाइट पर अर्थात पत्र करने पूर्ति होने की दिशा में ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये तुरंत मतलब एडमिट कार्ड बना के सभी का भेज देते, इसलिए आप अपनी अर्थता जांच करके देने जाए। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने में किसी तरह, ठीक है, बाहर कर दीजिए अभ्यर्थी को अपने आवेदन परीक्षा केंद्र में देनी। ठीक है, परीक्षा केंद्र 25 घंटे पूर्व पहुंचा जाए, परीक्षा
परीक्षा प्रारंभ से 20 मिनट परीक्षा कैसे बनना क्या ठीक है भैया, परीक्षा के दिन वगैरह का ठीक है, परीक्षा के उपरांत कैसे कक्ष को निरीक्षक को सब उत्तर पुस्तिका अर्थात पेपर भी आपको प्रश्न दोनों ही सम्मिलित करने हैं। अपने प्रवेश पत्र आपको संतुलन मूल्य को सुरक्षित रखना, प्रवेश पत्र के समय प्रवेश परामर्श के हाँ एडमिट कार्ड आपको सुरक्षित रखना ही जरूरत पड़ेगा आपको काउंसिलिंग में यदि आपके द्वारा दी गई सुना ठीक है भैया कितनी बार बताओगे है ना। परीक्षा के समय ठीक किसी भी प्रकार के विधिक प्रयागराज क्षेत्र में ही होगी ठीक है, विधिक कार्रवाई अगर कुछ आप केस वगैरह कर लीजिए और कोई आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं फाफा मऊ, यहाँ पर ये एड्रेस है फाफा मऊ उत्तर प्रदेश ये इनका यूनिवर्सिटी है। अगर आपको कभी भी कोई व्यक्तिगत मोबाइल संख्या पर संपर्क करें तो मोबाइल संख्या पर किसी भी क्रम अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप संपर्क ठीक है। अब इसमें क्या क्या ले जाना है वो सब लास्ट में बनाया जाएगा वीडियो, पेन ले जाना और पेन ले जाना है ना ब्लैक कलर का बोले पर। तो ये भैया एडमिट कार्ड आ गया, इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने आपको सुबह सुबह दे दी, आप लोग अभी उठ पाए लेकिन अपना उठ के मैं सुबह ही देख चुका था ठीक है, दो वीडियो पहले ही डल चुके हैं। तो आप ये पीडीएफ जरूर खरीद लें तुरंत आज ही, या फिर रुपए बढ़ जाए फिर मुझसे मत कहना कि सर कम कर दीजिए, आपने कुछ बच्चों को 50 की दी मुझे 100 की या 75 की दे रहे हैं, तो ऐसा ना आप करें, जल्द से जल्द खरीदें, आपको ही लाभ है यार, 50 रुपये कुछ नहीं है, पढ़ो आराम से अच्छे से और पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी गूगल ड्राइव में होगी। पीडीएफ खरीदने के लिए सिंपल सा आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर आए पर्सनल चैट पर पेमेंट करें ठीक है, वहां पर आपको क्यूआर कोड तुरंत मिल जाएगा टीम के द्वारा और उसके बाद पेमेंट करने के बाद अपनी मेल भेजें, मेल पर ही आपको मिलेगा ड्राइव पर, ये सब सिक्योरिटी पर्पज से है ठीक है। आप वहां पर अच्छे से पढ़े अच्छे से तैयारी करें, हफ्ते भर में इसको खत्म करें, आप 22 से 23 तारीख में खत्म हो जानी चाहिए आप लोगों ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो आपको मिलेगी इसमें करंट अफेयर जीके, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत बच्चे वही ही करने वाले हैं ठीक है। 50, 30, 80 नंबर की जीके है और 50 नंबर की रीजनिंग है, 130 नंबर को मेरा बहुत बड़ा फोकस है, रीजनिंग पर 50 ठीक है, 130 ये और पेडागॉजी चाहिए तो 70 नंबर हो गया भाई साहब, बच्चों वाला पेपर है मजाक नहीं कर रहा, और रैंक आएगी तुम्हारी बस मेरे साथ शिद्दत से मेहनत से लगन से जुड़े रहो ठीक है। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा।